आज की इस वीडियो में हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के असरसन एंड रीजन के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने वाले हैं और असरसन और रीजन के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको पता भी है मैं थोड़ा उनको बता भी देता हूँ अगर आपके पास असरसन भी ठीक है रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तो हम वन आंसर सेलेक्ट करेंगे अगर आपके पास असरसन भी ठीक है रीजन भी ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो दो आंसर सेलेक्ट करेंगे अगर आपका असरशन ठीक है रीजन गलत है तो तीन आंसर देंगे और असरशन भी गलत है रीजन भी गलत है तो हम फोर आंसर लिखेंगे ये कुछ इंस्ट्रक्शन है ओके सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है एवरी मेटल हैज ए डेफिनेट वर्क फंक्शन स्टिल ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स डोंट डोन्ट आउट विद द सेम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोनोक्रोमेटिक हाँ ये बोलता है कि जैसे आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो अलग अलग लेवल से निकलेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अलग एनर्जी होती है वर्क फंक्शन आपको पता है मिनिमम एनर्जी होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वर्क फंक्शन के बराबर कोई लाइट रेडिएशन मेटल सरफेस पर डालता हूँ तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालेगा जो मिनिमम एनर्जी वाले हैं उन्हीं को निकाल पाएगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसे इजेक्ट नहीं होंगे ओके ठीक है ये तो हमारा एसरसन था मतलब एसरसन जो है आपका बिल्कुल सही है रीजन क्या है वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द हाइएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड टू गेट आउट ऑफ द मेटल नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल बिलोंग टू द सेम लेवल दे ऑफ्यूपाई ए कंटिन्यूस बैंड ऑफ लेवल ये बिल्कुल सही है और ये जो रीजन है आपने देखा कि सही एक्सप्लेन भी करता है इसको तो असरसन रीजन दोनों ठीक है तो हमारा जो आंसर है आंसर आंसर वन होगा ओके क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है देखिए वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज फोर पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पॉसिबल बाई टू फोटोन्स ईच ऑफ एनर्जी टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम देखिए वर्क फंक्शन कितना दिया फोर पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया और यह बोलता है कि अगर मैं दो फोटोन डालता हूं हर फोटोन की एनर्जी टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप ये सोचोगे कि, कि दो की एनर्जी कितनी होगी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना टू पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव तो ये ऐसा नहीं होता है ठीक है ना आप फोटोन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो ना कि एनर्जी एनर्जी तो 2.5 ही रहेगी चाहे आप दो फोटोन ले लो चाहे 20 फोटोन ले लो ओके हाँ उसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो आपका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और एक फोटोन की एनर्जी टू है बीस लोगे तो भी टू रहेगी और आप हजार ले लोगे तो भी टू ही रहेगी इसका मतलब एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो आपके पास फोटो इफेक्ट नहीं होने वाला इसका मतलब असरशन गलत है एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी लेस देन दी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यह भी गलत है एनर्जी तो फोटोन की कम हो ही नहीं सकती फोटोन की एनर्जी कम नहीं हो सकती है ना तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इज नॉट विजिबल इन डेली लाइफ सही बात है डेली लाइफ में वेव नेचर विजिबल नहीं है रीजन या है देखो कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है उसके साथ जो वेव होती है लेमडा उसको एच डिवाइडेड बाई एम वी से देते हैं और डेली लाइफ में हम देते हैं कि वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है और मास भी ज़्यादा होता है अगर मैं वेलोसिटी को इग्नोर भी कर दूं तो हम देखते हैं कि डेली लाइफ में जिन जिन पार्टिकल से हम इंटरेक्ट करते हैं उनका मास क्या होता है ज़्यादा इसका मतलब लेमडा इनवर्सली प्रपोज टू किसके पास है मास कि मास ज़्यादा है लेमडा क्या है कम नेग्लेजिबली स्मॉल होता है जिसको हम देख नहीं पाते इसलिए हमें डेली लाइफ में क्या लगता है कि पार्टिकल ऐसे चलते हैं स्ट्रेट इस प्रकार से ऐसे चलते हुए फील नहीं होते हैं ओके तो इसका मतलब जो एसर्सन है वो बिल्कुल ठीक है रीजन क्या है इन डेली लाइफ मास ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी हाई सो देर डिबोगली वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल बिल्कुल ठीक है रीजन भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है इसलिए हमारा आंसर वन रहेगा क्वेश्चन सिक्स इफ स्टेशनरी न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डॉटर न्यूक्लिया एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल स्टेशन न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है जैसे आपको पता है अल्फा डी के कैसे होता है मैं आपको बताऊं एक बार जैसे मान लीजिए एक्स जेड ए ये कोई आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई था इसे अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो डोटल न्यूक्लियाई बनेगा वाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर प्लस अल्फा पार्टिकल और प्लस क्या निकलेगी एनर्जी निकलेगी तो यहाँ से क्या है कि इन दोनों का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो सेम होता है ओके तो इनका लीनियर मोमेंटम सेम होगा तो इसका मतलब इनकी वेवलेंथ भी क्या रहेगी सेम इसका मतलब बिल्कुल ठीक है रीजन देखेंगे क्या है द द द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ लीनियर डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा सेम बिल्कुल ठीक है तो ये रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तो आंसर वन रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन वेहन फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इंसिडेंट ओन एन इलेक्ट्रॉन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाइव लेस देन एच न्यू द इलेक्ट्रॉन विल नॉट नेसेसरी नेसेसली आउट ऑफ द मेटल सरफेस देखिए स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो ये वर्क फंक्शन होता है ये मिनिमम एनर्जी होता है वर्क फंक्शन क्या होता है ये मिनिमम एनर्जी होता है मिनिमम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी मतलब ये उस जो सबसे कम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना ये उसके बराबर होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं लोअर एनर्जी लेवल में भी होते हैं और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है है ना तो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस मिनिमम एनर्जी से नहीं निकलते आपके पास जो जैसे देखो पहला क्वेश्चन अगर आप चले पहले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी बहुत क्लियर क्लियर लिख रखी थी कि नोट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल बिलोंग टू द सेम लेवल रेदर दे ऑक्युपाई ए कॉन्टिन्यूअस बैंड ऑफ लेवल है ना तो अलग अलग बैंड के अंदर होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है अलग नहीं तो पहले क्वेश्चन में भी इसका आंसर हमें मिल गया था इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन एक बैंड में नहीं होते तो एक बैंड में नहीं होते तो सभी की एनर्जी भी क्या होती है अलग अलग इसलिए जो वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो जरूरी नहीं है कि मिनिमम एनर्जी हम देंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल के आ जाएंगे इसका मतलब आसर्सन क्या है आपका गलत है ना सही है ये बोलता है ना विल नॉट नेसेसरी कैम आउट असरशन बिल्कुल सही है रीजन देखते हैं रीजन में क्या लिखा है वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सो सम इलेक्ट्रॉन्स मे रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर देयर लिबरेशन बिल्कुल सही बात है ये मिनिमम एनर्जी और कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिक्वायर कर सकते हैं तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है तो आंसर हमारा वन रहा क्वेश्चन नंबर एट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रूफ ऑफ द क्वांटाइज नेचर ऑफ द लाइट हाँ फोटो इलेक्ट्रिक लाइट के क्वांटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन्स होते हैं आपने लिखा भी है कि फोटोन इज द क्वांटा ऑफ द लाइट फोटोन क्या होता है फोटोन इज द क्वांटा ऑफ लाइट याद कर लेना है इस बात को अगर आपको ध्यान नहीं है तो रीजन देखते हैं ईच फोटोन इन लाइट बीम हैज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लाइट बीम में हर फोटोन की एनर्जी सेम नहीं हो सकती मान लीजिए मैं वाइट लाइट लेता हूँ सपोज करो एक बार आपने कैसे ले ली वाइट लाइट तो वाइट लाइट में वी आई बी जी वाई ओ आर ये कलर होते हैं वायलेट की फ्रिक्वेंसी कुछ अलग होती है इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है आ, कुछ और होती है कम नहीं सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है वायलेट की और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी इस र, 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 रेड वाले की होगी फिर वायलेट की होगी फिर येलो की होगी ना इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सभी की सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी मतलब रीजन क्या है गलत तो आंसर क्या रहेगा हाँ ये जो स्टेटमेंट अगर कहीं और जगह आपके पास आ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट हो मोनो मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे मान लीजिए आपने ब्लू लाइट ही ले ली तो ब्लू लाइट का हर फोटोन है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी तब ये जो स्टेटमेंट थी वो ठीक होती क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है ए फोटोन कैन नॉट ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक फोटोन होता है आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता ठीक है एसर्सन बिल्कुल ठीक है रीजन क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट कैन मेटलाइज इन टू टू पार्टिकल्स कार्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये बात भी ठीक है इसको पेयर प्रोडक्शन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं कि इतनी एनर्जी का जब आपके पास कोई फोटोन है तो वो क्या करता है वो मेटलाइज हो जाता है मेटलाइज हो जाता है मतलब दो दो पार्टिकल बनाता है एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक पॉजिट्रॉन बनाता है इसको पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं तो आर भी बिल्कुल ठीक है बट ये जो ऊपर को आपके पास स्टेटमेंट दे रखी थी एसरसन की कि फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकता आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को ये रीजन उसका करेक्ट नहीं है एसरसन भी ठीक है रीजन भी ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो हमारा आंसर टू रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन There इज ऑलमोस्ट नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ द लाइट एंड द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही बात है आपको पता है फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है 10 डेज टू पावर माइनस नाइन सेकंड में कंप्लीट हो जाता है तो assertion आपका बिल्कुल ठीक है रीजन देखते हैं फोटोन ट्रांसफर ऑलमोस्ट ऑल इट्स एनर्जी टू तो ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल सही बात है कि फोटोन जो होता है वो अपनी एनर्जी को पूरी की लगभग लग पूरी एनर्जी को जब सरफेस पे जाता है तो उसको ट्रांसफर कर देता है तो इसलिए हमारे पास क्या होता है जो प्रोसेस होता है वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है तो रीज़न भी आपका बिल्कुल ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसलिए हमारा आंसर क्या रहा वन रहा